आज हम लोग आलोक प्रकाशन का 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वर्गमूल का 8.1। इसमें है फर्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में आपका 64 क्या है, 64 इसका इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक, लास्ट में अंक क्या है, चार का वर्ग करेंगे, चार का क्या करेंगे, वर्ग, चार का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16। ये हो जाएगा इकाई स्थान पे इकाई अंक, इकाई अंक है चार, चार का वर्ग करेंगे, चार का क्या करेंगे, चार का वर्ग करेंगे क्या होगा, 16 के इकाई स्तंभ में क्या है, इतना 64 का इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, दो नंबर में आ जाइए, दो नंबर में है आपका 81, 81 का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक, ये हो जाएगा एक। तीन नंबर में आ जाइए, तीन नंबर में क्या है, 26,387, 26,387 का इकाई अंक, सात का स्क्वायर कितना होगा, 49 का लास्ट में क्या होगा, सात का स्क्वायर हो गया 49, 49 के लास्ट में क्या आया है, नौ, इकाई स्थान पे क्या है, नौ, इसका इकाई स्थान पे नौ आएगा, क्या आएगा, नौ। चार नंबर में आ जाइए, चार नंबर में आपका है वो ABCD नंबर है ना, यस, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बे, ये हो गया क्या, सी, ये हो गया डी, डी नंबर में है 12,796, 12,796 का इकाई अंक, का इकाई अंक, ये हो जाएगा लास्ट में क्या है, सिक्स का स्क्वायर करेंगे 36, क्या होगा, इसे को देखते हो आप, अब डी के बाद ई में देखिए, ई में जो है सबसे क्या है, 5 को 5 है, इसके लास्ट में जो है क्या है, 5 का इकाई अंक, इकाई अंक, अंक क्या होगा, किसी को देखता हूँ, उसके बाद आ जाइए दो नंबर में, दो नंबर में आपका सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में संभव अंकों की संख्या ज्ञात करें, संभव अंकों के संख्या ज्ञात करें, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे या तो दोगुना होगा या तो दोगुना से एक होगा, दोगुना या दोगुना से एक कम होगा, जैसे देखिए एक का वर्ग करते हैं तो एक आता है, ये दोगुना या दोगुना से कम, जैसे चार का स्क्वायर किए कितना हो गया, 16, जैसे 15 का स्क्वायर किए 225, इसमें देखिए अंक क्या गो था, इसमें कौन क्या गो अंक था, एक का दोगुना, क्या गो अंक आया, इसमें देखिए क्या गो अंक है, दो का दोगुना, चार, चार से एक कम है, या तो दोगुना आएगा या तो दोगुना से एक कम आएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे या तो दोगुना आएगा या दोगुना से एक कम आएगा। चलिए इसमें आपका सवाल है, दो का एक नंबर देखिए, दो का ए नंबर, दो का ए में है 41 बोल रहे, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में संभव अंकों की संख्या, 41 में संभव अंकों की संख्या कितना होगा, चार, कितना होगा, चार, देखेंगे संभव, संभव अंकों, अंकों की संख्या, संभव अंकों की संख्या कितना हो गया, चार, उसके बाद बी नंबर में आ जाइए, बी नंबर में क्या है, 117, इसमें संभव अंकों की संख्या, इसमें संभव अंकों के वर्गों, इतना के वर्गों में संभव, संभव अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बताइए क्या होगा, 5, कितना होगा, 5, उसके बाद सी नंबर में बताइए, 205, सी नंबर में 205 है, 205 के वर्गों में संभव अंकों की संख्या बराबर में कितना, 5, डे नंबर में कितना है, 225 के वर्गों में संभव अंकों की संख्या कितना, 5, 5,
या देखिए या तो छ होना चाहिए नहीं तो पाँच, या तो दो गुना होगा या तो दो गुना से एक होगा। उसके बाद आ जाइए से के बाद डे में, से डे ई में, ई में क्या है बताइए तो 98.05। इसके संभव वर्गों में के वर्गों में संभव अंकों के संख्या बराबर आठ। उसके बाद ई के बाद एफ है, एफ में बताइए क्या होगा आठ बारह की बासठ बासठ नवासी बासठ नवासी। इसमें संभव अंकों की संख्या बताइए आठ। कितना आठ आठ होगा आठ। इसमें अंक है चार गो, या तो दो गुना होना चाहिए नहीं तो दो गुना से एक कम होना चाहिए, दो गुना या दो गुना से एक कम। किसी को दिक्कत समझ में आया? उसके बाद तीन नंबर में आ जाए, बिना किसी गणना के बताए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बोले थे कल कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब ये नहीं होगा जब उसके इकाई स्थान पे दो तीन सात आठ, ये सब अगर दो तीन सात आठ इकाई स्थान पर रहेगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, या तो संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो दो गुना होगा, क्या होगा उसके दो गुना, या दो गुना से कम। और इकाई स्थान पे जो है ना लास्ट में जीरो की संख्या शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, शून्यों की संख्या सम। या तो शून्य दो गो होगा नहीं तो क्या होगा चार गो होगा नहीं तो दो होगा। शून्यों की संख्या सम में होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए सम में, या दो होना चाहिए दो गो नहीं तो होना चाहिए चार गो नहीं तो होना चाहिए क्या गो, शून्यों की संख्या सम होना चाहिए। किसी को देखकर चलिए इसको। उसके बाद इसमें देखिए तीन नंबर में देख लीजिए अगर पूरा, तीन नंबर में आपका बिना किसी गणना के बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ए नंबर में बताइए आप, इसमें है 576 ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, ये है कितना का पूर्ण वर्ग संख्या है लिखेंगे हाँ 500 आंसर में 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिपूर्ण वर्ग ना है yes, यहाँ पे लिख परिपूर्ण लिख दीजिए परिपूर्ण वर्ग क्या है परिपूर्ण वर्ग। बी नंबर में बताइए 5250 अभी बोले थे परिपूर्ण वर्ग होगा तो उसके लास्ट में क्या गो जीरो होगा, या तो दो गो होगा नहीं तो चार गो होगा नहीं तो छह गो होगा, मतलब जीरो की संख्या सम में होना चाहिए, होना चाहिए यहाँ एक के गो जीरो है तो सम हुआ कि विषम, लिखेंगे परिपूर्ण पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है नहीं। चलिए उसके बाद से नंबर में बताइए 56। देखिए लास्ट में अगर 25 रहे इधर वाले का एक ज्यादा और एक कम करके गुणनखंड रहे तो वो हो जाएगा कौन सी, ये भाग ले कितना हो जाएगा 7 8 56। ये कितना का है 75 का, कितना का है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो जाए लिखेंगे परिपूर्ण वर्ग है। उसके बाद आ जाइए डी नंबर, डी नंबर में क्या है 54900 बताइए, इसमें जीरो की संख्या सम है yes, sir. ये उसके बाद जीरो की संख्या अगर सम हो तो उसके बाद वाला देखेंगे वो परिपूर्ण है कि नहीं है, उसके बाद वाला 549 जो है परिपूर्ण वर्ग है नहीं है तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, लिखेंगे यह परिपूर्ण
वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं। किसी को देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद डी नंबर, उसके बाद क्या है? डी में बताइए क्या है? 48 14 97 इसमें बताइए। पहले देखिए सबका जोड़ा लगा हुआ है, ये हो सकता है, ये होगा कि नहीं होगा, ये पहले होगा। ये लास्ट में अगर 2 3 7 8 दे, 7 8 नहीं, 8 9 देखेंगे, सात आठ देखेंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके इकाई स्तंभ क्या है? ये परिपूर्ण वर्ग होगा? होगा नहीं होगा? होगा रे, इकाई स्तंभ 2 3 7 8 रे, तो पहले देखेंगे, कहेंगे ये परिपूर्ण वर्ग संज्ञा नहीं है, परिपूर्ण वर्ग संज्ञा नहीं है। चलिए तो ये लिखेंगे य परिपूर्ण वर्ग नहीं। चलिए उसके बाद ई के बाद क्या होगा? एफ। एफ में बताइए क्या? 12,100। यहाँ पर देखिए जीरो की संख्या सम, उसके बाद वाले अंक जो है ना क्या है? परिपूर्ण वर्ग है। ये हो जाएगा य परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है, वर्ग वर्ग। किसी को दिक्कत? चलिए आ जाइए उसके बाद चार नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से, चार नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सम संख्या का वर्ग है? कौन कौन सम संख्या का वर्ग? ये पहले समझ लीजिए, जिसके इकाई स्तंभ पे लास्ट में जैसे 24 है, 24 का वर्ग कितना होता है? 576। और देखिए 22 का वर्ग 484। यहाँ देखिए सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही आएगा, सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। सम संख्या का वर्ग करेंगे विषम संख्या है, सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो चार नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन कौन सम संख्या के वर्ग हैं? बताइए सम संख्या जिसके लास्ट में सम संख्या होगा तो वो सम संख्या का वर्ग होगा। ये देख लीजिए इकाई स्तंभ पे सिर्फ देखेंगे, ये चार नंबर में है, चार में 36 बताइए ये सम संख्या का वर्ग है? देखेंगे न है सम संख्या का वर्ग है, का वर्ग का वर्ग। चलिए उसके बाद 64 बताइए इकाई स्तंभ पे सम है कि नहीं? सम है। सम है तो यह सम संख्या का वर्ग होगा कि नहीं होगा? का वर्ग। उसके बाद 121 के इकाई स्तंभ पे क्या है? विषम है, विषम रहेगा तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं होगा, ये विषम संख्या का वर्ग है, किसका है? विषम संख्या। ये हो जाएगा यह विषम, विषम संख्या का वर्ग है। उसके बाद 121 के बाद 289 के लास्ट में क्या है? नौ तो ये किसका होगा? विषम संख्या का वर्ग है। उसके बाद 289 के बाद 1296 के लास्ट में बताइए क्या है? संख्या। ये हो जाएगा य सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग वर्ग। किसी को दिक्कत? उसके बाद आ जाइए कितना? 65 61 है। ये सम संख्या का है कि विषम संख्या? विषम संख्या का। सम संख्या का किसका है? विषम संख्या का। सम संख्या का वर्ग। किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब उसके बाद आ जाइए 5 नंबर क्या है? 5 नंबर यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। पांच नंबर न होगा? चलिए 5 नंबर में है, बोल रहे निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन विषम संख्या के वर्ग हैं? कौन कौन? ये बताइए आपका है 49
बताइए 49 के लास्ट में कौन सी है? विषम संख्या। नो है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? विषम। ये विषम संख्या का वर्ग। ये वर्ग इसका है 7 का है ना? यस सर। 7 का वर्ग कितना होता है? ये विषम संख्या। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। ये आप लोग कर लीजिएगा पहुंचा। यस सर। नहीं हो जाएगा? यस सर। इसके लास्ट में विषम देखेंगे वो हो जाएगा विषम संख्या का वर्ग, और इसके लास्ट में सम देखेंगे उसको क्या कहेंगे? सम संख्या का वर्ग। किसका वर्ग? किसी को दिक्कत? चलिए 6 नंबर में आइए। बोल रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब आ जाइए 6 नंबर में। आपका 6 का 1 है, ए है, तो बताइए 31 का वर्ग करेंगे। 31 का वर्ग करेंगे या तो ट्री से निकालिए, और नहीं तो वर्ग करेंगे तो 31 गुना क्या करेंगे? ये हो जाएगा 31 गुना 31 कितना होता है? 900। ये हो जाएगा 961। उसके बाद बी नंबर में बताइए क्या है? 49 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 49 गुना 49 24 0। ए नंबर में कितना है? 121 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 121 गुना 121 कितना होगा? 14,641। अब बताइए हम ट्रिक से भी बना दे इसको। देखिए ट्रिक से कल कैसे बताए थे, लास्ट के देखिए अंतिम में 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 21 का वर्ग 41 लास्ट में लिख दिलिए, लिख देंगे। हासिल कितना बचा? 4। हासिल बचा 4। अब 121 में 21 ज्यादा है तो 21 जोड़ देंगे, 100 कितना हो गया? 42। 142। अब इसका जो है ना 4 जोड़ देंगे, 142 में क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 141। समझ में आया? चलिए दे नंबर में 12/25। इसका वर्ग करेंगे, इसको लिखेंगे 12/25 गुना में 12/25। अगर भिन्न का गुना रहता है इसको क्या करते हैं? अंश से अंश को गुना करते हैं, हर से 12 का गुना 40/45। उसके बाद अभी डी के बाद तीन नंबर बताइए क्या? 625। 625 का वर्ग कितना होगा बताइए? 40। कितना होगा? 40 0 625। 625 गुना 625 कितना होगा? 40 0 625। 40 0 625। 40 0 625। देखिए इसमें करेंगे क्या, इसका भी ट्रिक से निकाल सकते हैं, इसका भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक से निकालेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये 600 से कितना ज्यादा है? 600 से कितना ज्यादा? 600 से 25 ज्यादा है तो 25 का वर्ग करेंगे, 625 लिख दिए, हासिल 25 लिख दिए, हासिल कितना बचा? 100। अब इसमें क्या करेंगे, 625 में 25 जोड़ देंगे, कितना ज्यादा है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 600 कितना आ जाएगा? 50। इसमें 6 गुना करेंगे, क्या आधार है? 600 है, कितना है? 600। 6 गुना कीजिए, 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? हासिल 6 बचा था, ये हासिल 6 से गुना करके जोड़ दीजिए, 6 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 0, 6 5 23, ये हो जाएगा 36 3 39। इसमें जोड़ दीजिए 3, ये देखिए 39 6 39 6 सही है? 39 6 समझ में आया? 600 का आधार माने इसलिए 6 गुना किए, 400 का आधार मानते कितना करते? 4 गुना, 500 का आधार मानते तो 5 गुना। समझ में आ रहा है? यस सर। एफ नंबर भी है? यस सर। चलिए एफ नंबर बोलिए। 16 -17 इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे -16/17 गुना में -16/17। 16 गुना 16 माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस 16 गुना 16 = 17 ये कम्प्लीट। उसके बाद आ जाइए आप कितना नंबर पे? 7 नंबर पे। 7 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग? परिपूर्ण वर्ग होगा तब ये जाकर जब इसके इकाई स्थान पे 2 3 7 8 नहीं आएगा,
या तो शून्यों की संख्या क्या हो कम हो, शून्यों की संख्या क्या हो कम हो। अब देखिए ए नंबर में बोल रहा है सात में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है। 256 256 परिपूर्ण वर्ग है, लिखेंगे या परिपूर्ण पूर्ण वर्ग किसी को देखा इस टाइप का सवाल तुम बताओ कि है ऊपर में लगा। उसके बाद बी नंबर बताइए 525 कितना है 525 किसी का परिपूर्ण वर्ग में है। देखिए परिपूर्ण वर्ग तब ये होगा जब लास्ट वाला 25 लाख में 25 रहे, इधर वाला का गुणनखंड जो है ना गुणनखंड एक ज्यादा कम करके गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 625 है, 625 में देखिए लास्ट में 25 एकरा लिख सकते हैं 2×3 लगातार संख्या का गुणनफल रहेगा तो ही जाकर के परिपूर्ण होगा। ये लगातार संख्या गुणनफल है, यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। किसी को देखा ये कर लीजिएगा, कर लीजिए इसे पहले भी बताए। उसके बाद आ जाइए 7 के बाद 8 नंबर जो अभाज गुणनखंड विधि द्वारा जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संख्या परिपूर्ण वर्ग हैं और कौन कौन सी संख्याएं परिपूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए सबसे पहले है 8 का ए नंबर में है 98 01। पहले इसका जो है अभाज गुणनखंड करेंगे 98 01। 2 से तो नहीं लगेगा, 200 तब ये लगता है जब इकाई स्थान पर सम संख्या हो। यहाँ पे देखिए 8 1 9 ये 3 से कट है, विभाजिता का नियम अप्लाई कीजिए, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट है ये हो जाएगा कितना 3 से लगाएंगे 3 3 9 ये हो जाएगा कितना 1 6 3 6 18 3 7 7। फिर देखिए 3 से कटता है, कटता है 3 से 1 कितना हो जाएगा 0 0 8 9। फिर 3 से लगाएंगे यस सर ये हो जाएगा 3 9 3 6 18। फिर 3 से लगाएंगे 3 2 1। फिर 3 अब 11 से लगेंगे 11। अब देखिए ये लिखेंगे 98 01 बराबर में 3 × 3 × 3 × 3 × 11 × 11। यहाँ पे देखिए जोड़ा सबका लग रहा है, अगर जोड़ा लगेगा तो कहेंगे परिपूर्ण वर्ग, जोड़ा नहीं लगेगा तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया हो? यस सर। यहाँ पे देखिए 3 2 को है, फिर 3 को अरे 3 के जोड़ा अगर लग ले दोस्ती अगर सेम से भेज तो कभी परिपूर्ण हो। देखिए जोड़ा हो रहा है ना, चलिए इसी का बी नंबर देखिए, इसी का बी नंबर है 2500। 2500 का करेंगे तो 2 से लगेगा कितना होगा 1250। फिर 2 से लगाएंगे 625। फिर कितना लगेगा 5 से हो जाएगा कितना होगा कितना 125। फिर 5 से लगाएंगे 25। फिर 5 से लगाएंगे 5। फिर अब देखिए गुना करेंगे लिखेंगे 2500 बराबर में 2 × 2 × 5 × 5 क्या को पहुंचे 4 5 5। याद है दिखाई दे रहा हूँ, चलिए आप यहाँ पे जोड़ा लगा है नहीं लगा है जोड़ा, ये भी एक परिपूर्ण वर्ग है। क्या है यहाँ पे लिखेंगे 98 01 एक परिपूर्ण वर्ग, एक परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग किसे को देखा यहाँ पे लिख देंगे 2501 परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग किसे को देखा नो सर। क्या को सवाल और बचा है, रहने दीजिए कल कंप्लीट कर देंगे।